नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 10 अक्टूबर के एमटीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए 10 अक्टूबर के आज कुछ क्वेश्चन आए हैं मेरे पास। देखिए एमटीएस के सबसे पहला क्वेश्चन है कि 66.5 डिग्री साउथ लेटिट्यूड में क्या होता है। इसके लिए देखिए आप पूरा एक डायग्राम ही समझ लीजिए। ये अगर मान लीजिए पूरी अर्थ है हमारी, तो 0 डिग्री जो लेटिट्यूड होता है वो होता है इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद 66.5 डिग्री को आर्कटिक बोलते हैं और 66.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं एंटार्कटिक। फिर ये वर्किंग लेजर सबसे पहले किसने यूज किया था? थियोडोर मेमन ने, मेमे ने। और ये लैंग्वेजेस जो है इंडिया में, देखिए टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और वो 8th शेड्यूल में है। ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादातर क्वेश्चन एसएससी सीजल के ही आए हैं। ये आप बताइए कि लैंग्वेज किस पार्ट में मेंशन है, ये भी मैंने कल बताया था आपको। पूरा ये डेली जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसमें बहुत सारी चीजें बताता हूँ, तो बाकी लोगों को भी देख लेना चाहिए क्योंकि कई सारे जीके के फैक्ट्स होते हैं इसमें। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये किसने लिखी थी? ये तो जनरली पता ही रहता है लोगों को, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। पहले इंडियन फुटबॉलर कौन थे जिन्होंने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट विद यूरोपियन क्लब? वो थे बाइचुंग भूटिया। महायान किससे लेटर? देखिए महायान हीनायान ये दो सेक्ट है बुद्धिज्म के। बुद्धिज्म अब मैं थोड़े दिन में, जैसे अभी हिस्ट्री चालू करेंगे तो एनसीईआरटी वाली वो सब चीज में देखेंगे। अब एनसीईआरटी देखिए मैं चालू करने वाला हूँ बहुत जल्दी ही, और इकोनॉमी की मैंने बना भी ली, इकोनॉमी मैं कल परसों में चालू करने वाला हूँ। फिर डिजीजेस कॉज ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी, देखिए मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था डिफिशियंसी से रिलेटेड, उसमें जितनी भी डिफिशियंसी डिजीजेस जो होती है विटामिन की कमी से या फिर डिजीजेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से होता है जीरोथेलेमिया। मेन फंक्शन स्टमक का है डाइजेशन। जमींदारी देखिए पूछा गया था एक्चुअली महलवारी, लेकिन मैं और भी चीजें एक्स्ट्रा बताता हूँ इसलिए मैंने सब चीजें लिख दी यहाँ पे। जमींदारी को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था ये। इसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल बिहार उड़ीसा, बीबीओ याद रखिएगा। और इसमें क्या था कि 1 जो 11th शेयर था वो जमींदार को मिलना था और 10th 11th वाला ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। इसमें सिस्टम कुछ ऐसा था कि कंपनी यहाँ पे थी, उसने कई सारे जमींदार पाल रखे थे और ये जमींदार जाके वसूली करते थे, सबसे एक्सप्लॉइट करते थे। उसके बाद इसको फिर इंट्रोड्यूस किया गया रैयतवारी को। रैयतवारी को किया था थॉमस मनरो ने 1820 में। ये कहाँ किया गया था? ये मद्रास बॉम्बे असम के कुछ एरियाज में किया गया था। इसमें क्या किया कि जमींदार को हटा दिया गया और जो ब्रिटिश सरकार है वो खुद एक बहुत बड़ी जमींदार बन गई, पीजेंट से डायरेक्टली लगान वसूल करने लगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा लगान लेते थे ये, 50% तो लगान ही ले लेते थे, 50-60%, इसलिए ये भी नहीं सक्सेसफुल हो पाया। फाइनली फिर महल वाड़ी जो सिस्टम है, देखिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे, लेकिन फिर इसको लॉ के थ्रू फाइनली किया गया था ये लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक के टाइम पे। और ये कहा किया गया था? सेंट्रल प्रोविंस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, आगरा में, पंजाब में, इन सब जगह पे किया गया था, याद रखिएगा आप आगे के लिए। उसके बाद क्वेश्चन आया था, देखिए प्रिजन डायरी का क्वेश्चन आया था। एक्चुअली प्रिजन डायरी दो लोगों ने लिखी है, एक तो प्रिजन डायरी एक सीरीज है 3 बुकों की जो कि जेफरी आर्चर ने लिखी, और एक प्रिजन डायरी जेपी, ये देखिए ये जेपी नारायण ने लिखी है 1975 में। तो ऑप्शन आप बता दीजिएगा कौन सा है, जेपी नारायण ही होगा मेरे हिसाब से। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का इंडिया कौन सा मेंबर है, ये क्वेश्चन आया था। इंडिया 35th मेंबर है MTCR का, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इनफॉर्मल और वॉलेंट्री पार्टनरशिप है 35 कंट्री के बीच में कि ये लोग मिसाइल को प्रोलिफरेशन होने से रोकेंगे, और जो भी 500 kg से ऊपर है प्लस ज्यादा है 300 किलोमीटर की रेंज पे उसको। उसके बाद है क्वेश्चन आया था पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है कि MnO4। प्रिजन डायरी भी बताया जेपी नारायण। राजपथ को बोलते हैं किंग्सवे, मिडिल एलिमेंट जो होते हैं पीरियोडिक टेबल उनको बोलते हैं नोबल गैसेस। इंडिया ने किस कंट्री के साथ जो फिशरमैन वाला इशू चल रहा है इंडिया का, तमिलनाडु के साथ जो किया है, तमिलनाडु के साथ जनरली श्रीलंका की होगा इसका ऑप्शन, फिशरमैन का जनरली आप न्यूज में सुनते रहते हैं श्रीलंका के साथ ही होता है। आर एच फैक्टर को किस एनिमल के ये नेम किया गया है, ये किसके ऊपर नेम किया गया है, रीसस मंकी। एवरेज इनकम को पर कैपिटल इनकम भी बोलते हैं, ये शायद क्वेश्चन ये कल भी आया था। इंग्लिश के क्वेश्चन है कुछ, एंटोनियम था फॉर्सेक का, सिनोनियम था स्टडी और इन्वेट का, idiom था टू डॉक्टर द अकाउंट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था पोस्टमार्टम का, करेक्ट स्पेलिंग आई थी ग्रामर और 8th की। देखिए ये एक रेशियो दिया है, एक क्वेश्चन मुझे मिला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का,
थ्री ए इज इक्वल टू फोर बी इक्वल टू ट्वेल्व सी, इसमें क्या करेंगे आप ए बी सी का रेशियो। इतना सरल क्वेश्चन है ये, और बाकी भी जैसे काफी सरल आए थे क्वेश्चन ये। आप इसमें क्या करेंगे, तीनों को आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो आ जाएगा 4:3:1। उसके बाद कुछ और इंग्लिश के क्वेश्चन है ये, सिनोनियम आया था नोटोरियस का, सेवेज का, एंटोनियम आया था सोलेस इंड्यूस का, क्लोज टेस्ट आया था एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड, करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई थी सेटेलाइट और स्पॉन्सर की। फिर ये देखिए कोई क्वेश्चन आया था समर सीजन कब होता है इंडिया में, ये एनसीईआरटी में हम पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी में पूरा बताया हुआ है। देखिए कोल्ड सीजन जो आता है दिसंबर से फरवरी तक, मार्च से लेके मई तक होता है ये आपका समर, और जून से लेके सितंबर तक होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून या फिर ये रेनी सीजन, और रिट्रीटिंग वाला जो होता है अक्टूबर और नवंबर में होता है, जहां पे ये तमिलनाडु और इन सब जगह पे बारिश होती है। शुभम मिश्रा जी ने क्वेश्चन पूछा था ये थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट होता है, देखिए पूरा हम देख चुके हैं अर्थ क्रस्ट ओशियन बेल्ट पे क्या होता है, ओशियन बेल्ट पे सिर्फ 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर होती है, कॉन्टिनेंटल में होती है करीबन 35 किलोमीटर, उसके बाद मेंटल की जो लेंथ होती है 2900 किलोमीटर होती है। काफी कुछ देख चुके हैं एक बार, उसमें 6 क्लास की एनसीईआरटी वाला देख लीजिएगा, काफी सारी चीजें बताई है। लोक कल्याण मार्ग को क्या बोलते हैं, ये 7 रोज कोर्ट था पहले, अब ये लोक कल्याण मार्ग हो गया है। उसके बाद तड़ित चालक की खोज किसने की, यानी कि जो लाइटनिंग कंडक्टर है इसको किसने इन्वेंट किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फिर ये आपका यूनिट आया था, यूनिट वाला जो मैंने वीडियो बनाया है आपको एसआई यूनिट वाला पूरा देख डालिए, एक एक यूनिट उसमें मैंने पूरी डिस्क्राइब की है। आईबी के लिए भी अगर वो क्वेश्चन पूछ ले तो कोई आपको हैरत नहीं होगी, तो पूछ जरूर उसको देख डालिएगा। एरिया का पूछा था, मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होगा, स्पीड और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होगा। तो ये हो गए पूरे 10th के क्वेश्चन, और अभी कुछ लोगों ने कमेंट किए वो भी देख लीजिए। जैसे ये कमेंट आया है अभी, नेशनल पेंशन योजना के लिए मिनिमम एज 18 साल हो गई, ठीक है। उसके बाद ये गोदान के लेखक प्रेमचंद, उसके बाद चार वेदों में पुराना वेद सबसे कौन था, ऋग वेद था। इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ये। और बाकी ये कुछ ये आए थे ऑब्जेक्टिव आए थे आपके, ये अपोजिट पूछे गए थे, ये सॉरी अपोजिट पूछे गए थे स्टर्न के, ऑब्लिगेट के और डिफाई के। तो ये रही आज की एनालिसिस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।